तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बहुत दिनों से आपको पता है कि मेरे चैनल पे वीडियो नहीं जा रहा है, तो आपको बता दूं कि किसी कारण वजह से नहीं जा रहा था। कहीं अस्तता व्यस्तता हो जाने के कारण वीडियो नहीं जा पा रहा था, बट आज फिर से आपको सब्सक्राइब तो हमारे सब्सक्राइबर कॉल करके जो भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग कॉल करके कंटेक्ट करते हैं। तो जैसे कि दो लोग को अभी देखे कि उन लोगों का क्या प्रॉब्लम आ रहा था पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर में, कि उन लोग का ड्रोन फ्लाई ही नहीं हो पा रहा था। तो मैं सबसे पहले उसको एनीडेस्क पे लेकर के सारे प्रोग्रामिंग को देखे, सेटअप सब कुछ सही था, सब कुछ एक्यूरेट था, बट फिर भी उन लोगों का फ्लाई नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके कहीं भी हार्डवेयर या फिर कहीं भी कोई अलग कनेक्शन या फिर डायरेक्शन मोटर का जो भी होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक लोग के पास तो कॉल किए, तो फिर उसका पहले वीडियो मांगे। जैसे पहले बात करने के बाद उन्होंने इस प्रकार से वीडियो सेंड किए कि देखिए सर, इस प्रकार से लगाए हुए हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो भी इसका चेक किए, वीडियो आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से फ़ोटो सेंड किए कि सर इसके अनुसार लगाए हैं। तो मैंने बोला कि उल्टा लगाए हो प्रोपेलर, तो वो बोले कि हाँ, बाद में चेंज भी किया। चेंज करने के बाद फिर इस प्रकार से फ़ोटो सेंड कर रहे हैं। मैंने बोला कि ये प्रोपेलर उल्टा है सब चेक, तो वो बोल रहे हैं कि चेक कर लो करो। फिर मैंने बोला कि सारा गलत है, आप क्या करो कि मेरे चैनल पे पहले से मेरे चैनल पर अच्छे से बताए हुए हुए हैं कैसे लगाना है, जा करके मतलब वीडियो आप देख सकते हो। सर चेक की पर समझ नहीं आ रहा है, सर मुझे जस्ट बताओ ना यही है। मैं वो हो देख करके भी आप लगा सकते हैं। तो फिर वो बोले वीडियो कॉलिंग करूं क्या सर? मैं बोला मैं बता रहा हूं, पहले आप वीडियो चेक करिए। तो फिर उनको यहां पे मैंने अपना जिसमें बताए हुए हैं अच्छी तरीके से, इतना अच्छी तरीके से बताया गया है इसमें किस प्रकार से डायरेक्शन इसका रहता है, किस प्रकार से प्रोपेलर लगाया जाता है, कौन सा रोटेशन किस प्रकार से लगेगा, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताया गया है। फिर ये दूसरा भी लिंक सेंड किए हैं, इसमें भी लास्ट में बताए हैं जब प्रोपेलर लगा रहे हैं तो किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये किधर का लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि इस वीडियो में पहले इसको बोले कि इसको आर्मिंग करके और चला करके मेरे पास वीडियो सेंड करिए। तो देखे जहाँ तक कि इसका जो भी था जो प्रोपेलर लगाए थे, तो ये प्रोपेलर ही सब उल्टा लगा दिए थे। मैंने चैट करके इनको बताया कि आप चेक करिए, एक बार चेक करिए, फ़ोटो सेंड किए तो मैंने बताया कि आपका प्रोपेलर गलत है, दोबारा से आप इसको सेटअप अच्छे से करिए। तो फिर भी उनसे नहीं हो पा रहा था, बोल रहे थे कि मेरे देखने से तो सही है। फिर मैं एनीडेक्स पर लेकर के उसके मोटर टेस्ट कराए, सबका डायरेक्शन देखे वीडियो कॉल पर डायरेक्टली। इसके बाद सारे मोटर का डायरेक्शन तो ठीक था। इसके बाद वीडियो कॉलिंग पे देखे उसका हर एक हेक्साकॉप्टर था वो, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हेक्साकॉप्टर में फिर दोबारा से देख देख करके हर एक प्रोपेलर को, 6 प्रोपेलर होते हैं, उनको सबको देख करके अच्छे से उसमें दोबारा से लगाए। तो उसमें क्या किए थे कि ऐसे ले गए थे फ्लाइट करने उल्टा लगा करके, और उस फ्लाइट में क्रैश होने के कारण से इनका प्रोपेलर टूट चुका था। तो अभी प्रोपेलर वो ऑर्डर करके लगाएंगे, इसके बाद फिर टेस्ट करके देखेंगे। तो आई होप वो फ्लाई होगा, क्योंकि प्रोपेलर उल्टा लगाने की वजह से लिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके ड्रोन में क्रैश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख करके इसके बाद ही आप फ्लाई करें। तो यदि आपको भी इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आता हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। एक और सब्सक्राइबर हैं जो कि इन लोगों का स्कूल प्रोजेक्ट है, तो इनका भी मैंने एनीटेक्स पे देखे कि सारा प्रोग्रामिंग सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं शो कर रहा है। तो इनका भी यही था कि लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, फ्लाई नहीं हो पा रहा है।
ये छोटी छोटी जानकारी आपको और कहीं बताया नहीं जाता है, तो इस पर तो मेरे तरफ से होता है कि जो भी ड्रोन बना रहे हैं या फिर ड्रोन के बनाने का सोच रहे हैं, तो ये सब जानकारी उन लोगों को बहुत हेल्पफुल पहुंचाता है। भले ही आपको लगता हो कि ये प्रोपेलर उल्टा है सीधा है, बट बहुत चीज़ उन लोगों को, मेरे से कांटेक्ट भी जो लोग किए हैं तो वो लोग को बहुत सारी चीज़ बता भी देते हैं, और जो भी चीज़ एनीडेस्क पे उनका सॉफ्टवेयर भी देखते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ जो भी सेटअप अच्छे से नहीं हुआ रहता है तो वो सेटअप भी कर देते हैं। अरे बताएंगे जैसे कि ये जो हमारे रिसीवर्स होते हैं, तो इसमें आई बस, एस बस, पीपीएम, पीडब्ल्यूएम, ये चीज़ क्या होते हैं, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ होता है और किस तरह से वर्क करता है। इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना चाह रहे थे कि जिनका भी इस प्रकार से प्रॉब्लम हो तो पहले आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे से कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।